खबर गया से है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में आज प्रदेश के 38 जिलों के मुख्यालयों में एसोसिएशन के प्राइवेट स्कूलों के सामने आई समस्याओं की जानकारी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री से एक वर्ष की विशेष आर्थिक सहायता की मांग की है। सहायता पैकेज पर कोई सुनवाई नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव की बहिष्कार करने की बात भी कही है। इसी क्रम में जिले के एसोसिएशन कार्यालय में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला अध्यक्ष श्री राम स्वरूप विद्यार्थी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें श्री विद्यार्थी ने कहा कि पूरे प्रदेश में एसोसिएशन से जुड़े 25,000 निजी विद्यालय के संचालक एवं शिक्षक 1,00,000 पत्र मुख्यमंत्री को भेजेंगे और उनको प्राइवेट स्कूलों, कर्मचारियों और उनसे जुड़े लगभग 10,00,000 परिजनों के सामने उत्पन्न कठिनाइयों एवं परेशानियों से अवगत कराएंगे। हम लोग पहले तो ये सरकार ने यहाँ भी दिए थे, यहाँ आपके डीओ साहब को भी दिए, यहाँ जिलाधिकारी को भी दिए, पीएम को ही पत्र लिखा गया था। पीएम के यहाँ तो कार्रवाई चल रही है। अब हम सीएम जो हमारे यहाँ पर हैं, हमारे अभिभावक यहाँ पर हैं, तो उनको दे रहे हैं कि हमारी स्थिति पर जल्द सुनवाई किया जाए, तो हम लोग भुखमरी का आधार पर हैं। ताकि विद्यालय में कुछ ऐसे खर्च हैं जिसको रोका नहीं जा सकता, कर्मचारियों के खर्च है, वेतन देने के खर्च के अलावा विद्यालय के किराया है, कुछ बैंक के लोन लिए हुए हैं, कुछ गाड़ी का ईएमआई जो है ये सब देना है। ये सारा ऐसी स्थिति हो गई है कि विद्यालय एकदम रोड पर आ गया। जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इसे तुरंत संज्ञान में लेते हुए सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चा प्रति माह खर्च के आधार पर प्रत्येक प्राइवेट स्कूलों को उसके बच्चों की संख्या के अनुसार विद्यालय अकाउंट में एक वर्ष का विशेष आर्थिक सहायता ट्रांसफर करने का प्रावधान बनाए।